एक ओर शासन स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिले में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जिन युवाओं ने स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन लिया था, अब वे सब्सिडी के लिए परेशान होते फिर रहे हैं। ऋण राशि चुकता करने के बाद भी उनके अकाउंट में सब्सिडी राशि भी नहीं पहुंची है। मंगलवार को ऐसी ही शिकायत शहर के जैत शेख ने कलेक्टर को की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे जैत शेख ने बताया कि वह न्यू आजाद नगर निवासी होकर 2017 में उसने करीब 7 लाख रुपए का ऋण मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेकरी संचालन के लिए लिया था। यह ऋण राशि उसने किस्तों में बैंक को चुका दी। बैंक ने 27 मार्च 2023 को एनओसी भी दे दी, लेकिन नियमानुसार जो सब्सिडी राशि मिलना थी वह करीब 6 साल के लंबे समय बाद भी नहीं मिली। उन्हें ऋण देते समय 2,10,000 रुपए बतौर सब्सिडी वापस मिलने का भरोसा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। चौहान द्वारा मुझे लोन दिया गया था 7 लाख रुपए का, जिसकी वो मैंने पूरा तरीके से भर दिया लोन। बैंक से एनओसी भी आ गई, उसके बाद में भी मुझे 6 साल होगा, 6 साल से कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है और बैंक द्वारा परेशान किया जा रहा है। कितनी सब्सिडी है? 2,10,000 रुपए। कितने साल से परेशान? 6 साल से परेशान हूँ मैं। लोन किस लिए लिया था? लोन बेकरी पर्पज से लिया था और बेकरी का उद्योग भी लगाया था मैंने। आप बैंकों में मिले थे? बैंक में कई मरतबा गया, मुझे लिखित में कोई नहीं देता वहाँ पर। कई मरतबा शिकायत करने के बाद में भी फर्स्ट मरतबा मुझे जो लिखित में दिया उन लोगों ने। अभी आप यहाँ कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने कहा हो जाएगा आपका काम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।